इस मॉड्यूल में हम सब फाइलम क्रस्टेशियंस के नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे क्रस्टेशियन का नर्वस सिस्टम जो है नॉर्मली इसका अगर हम गौर करें तो इसमें मॉडर्न ट्रेंड्स हमें नज़र आएंगे और इसमें सिमिलैरिटी भी नज़र आएगी एनिलिट से और बाकी आर्थ्रोपोड से नर्वस सिस्टम इनका जो है नॉर्मली बॉडी के डॉसल साइड पे नहीं बल्कि वेंट्रल साइड पे मौजूद होता है इसलिए इसको हम वेंट्रल नर्वस सिस्टम कह देते हैं नर्वस सिस्टम इसका लैडर लाइक है अब हायर क्रस्टेशन जो हैं दे शो टेंडेंसी टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन एंड कैफेलाइजेशन क्रे फिश में गैंगलियस हैं नर्वस सिस्टम में और दो इम्पॉर्टेंट गेंगलियन सुपरा फेरेंजियल गेंगलियन और सब आ, सब फेरेंजियल गेंगलियनस जो हैं ये मौजूद हैं एक अबव द है और सब फेरेंजियल इज़ बिलो द आसोफेगस दे नॉर्मली रिसीव द सेंसरी इनपुट फ्रॉम द रिसेप्टर्स इन दै एंड आल्सो कंट्रोल द हेड अपेंडिजिज अब वेंट्रल नर्व्स और सेगमेंटल गेंगलियंस जो हैं ये फ्यूज हो जाएंगे इसके अलावा यहाँ पर जॉइंट न्यूरॉन्स हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड है और इसमें मुख्तफ किस्म के बॉडी के रिस्पॉन्स को परसीव करने की पावर जब एक नर्व इम्पल्स यहाँ से इनिशिएट होगी तो इसमें नर्व इम्पल्स दिस विल स्टार्ट फ्रॉम द इंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी फिर पस्टीरियर साइड पे जाएगी और यहाँ से होती हुई देर आर मैनी जॉइंट नर्व फाइबर्स और क्रेफिश में पावरफुल एब्डोमिनल फ्लेक्सर मसल्स हैं एब्डोमन के वो कंट्रैक्ट करेंगे कुछ मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे कुछ रिलैक्स करेंगे इनको हम फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स कहेंगे इससे नॉर्मली बॉडी जो है उसमें प्रोपल्सिव स्ट्रोक्स आएंगे और कुछ रिकवरी स्ट्रोक्स होंगे कुछ इसके अंदर एक्सटेंशन के लिए स्ट्रोक्स होंगे और उन्हीं के थ्रू ही बॉडी जो है वो फिर रिफ्लेक्सेस जो है अपने शो करेगी अब जो लास्ट सेगमेंट हैं टेल्सन या यूरोपोर्ट जो हैं दे फॉर्म आ लाइक टेल अब ये टेल जो है दिस प्रोपेल्स द बॉडी ऑफ क्रे फिश ऑन टू द पोस्टीरियर साइड हेयर यू कैन सी द नर्वस सिस्टम ऑफ ए टिपिकल क्रे फिश सुपरा फेरेंजियल गेंगलियॉन सब फेरेंजियल गंग्लियॉन और फिर इसके अंदर जो है फ्लेक्सर मसल्स फ्लेक्सर मसल्स हैं एक्सटेंसर मसल्स हैं दिस इज द Ventral nerve cord running throughout the body. Ab isme ganglion's nerve cord, these are all showing the typical nervous system of the crayfish.